आपको मोदी जी से डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने डर क्यों लगेगा? बनारस में मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता। विपक्ष लोग तो बहुत आरोप प्रत्यारोप मोदी जी पर लगाते हैं कि वो मुस्लिमों के साथ ये करते हैं वो राजनीति की बातें अलग अलग होती है। तो है नहीं कि मोदी जी ने अनाज दिया तो सिर्फ हिंदुओं को दिया, मुसलमान को नहीं दिया, ऐसा है? हमने पे बोल रहे वही दिल में है ना। अरे दिल का दिल जो रहता है वही जबान पर रहता है, ये नहीं कि पीठ है कुछ है आगे कुछ है, जो हम लोग के पास आगे रहता है वही जबान पर रहता है। नहीं लगातार अगर बोला जाता है मुस्लिम पे बात आती है तो लगातार आप लोगों के ऊपर ब्लेम आता है कि आप लोग जो है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों की बात सुन के आप लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते, आप लोग विपक्षियों के साथ है, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें सच्चाई ये है क्या, फील्ड में तमाम लोग खड़े रहते हैं और उनको कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि इसके बारे में विरोधी बनो ताकि ये दिखाएं हम कि देखिए मुसलमान के लिए ये कर रहे हैं मोदी। एक चौराहा से चार चौराहा निकलता है, इतना उंदा हो गया बनारस। भाई ये रोड बनी है, गली बनी है तो उसमें हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं। ऐसा तो मोदी जी ने नहीं कहा कि गली में मत चलिएगा, ये गली हिंदुओं के लिए बनाई गई है। बड़ा गुस्सा में तमतमा रहे हैं। तमतमा तो रहे इसलिए कि तो ये आरोप है ना मोदी जी को जो आरोप ही बनाया जा रहा है कि मुस्लिम उनके बारे में गलत ये सोचता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी को या योगी को हमेशा अच्छा रोल दिया गया है, हमारे भारत में आते हैं इनको मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है और ऐसा कोई तरह की मामला नहीं है। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए लोकसभा 2024 चुनाव का सर्वे लगातार जारी है, अब बनारस में जारी है और बनारस की जनता, काशी की जनता का क्या मूड है वो जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम लोग बनारस के बजरडीहा इलाके में मौजूद हैं, सीधे यहां से ग्राउंड जीरो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बनारस के बजरडीहा के जो मुस्लिम बाहुल्य के लोग हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार उन लोगों का क्या कुछ मूड है और इस बार क्या कुछ मूड लेकर के वोट डालेंगे और किसको चुनने वाले हैं। तो सर क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो बीजेपी आगे निकल रही है। अच्छा अच्छा, बीजेपी आगे कैसे निकल रही है, कारण बताइए, क्योंकि विपक्ष भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। डेवलप। अच्छा विकास। विकास। अच्छा क्या विकास हुआ है? सड़कें बनी है, यहाँ की गलियाँ जो थी कच्ची थी और अब सब पक्की गलियाँ हो गई हैं, पूरा इलाके में चलने के लिए पांव धसते थे, ये सब चीज का विकास हुआ है। अच्छा क्या लगता है कि मोदी जी ने आप लोगों के लिए क्या कुछ किया है? मोदी जी ने हमारे लिए रोजगार अच्छा किया है, विकास किया है, इसी मुद्दे पर वोट पड़ेगा। अच्छा इसी मुद्दे पे पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आप लोग विपक्षियों के हैं, आप लोग मोदी जी के साथ नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। भाई विपक्ष अपनी अपनी बात रखता है। हाँ। तो हकीकत क्या है, सीधे ग्राउंड जीरो से आपसे पूछ रहे हैं। हकीकत क्या है कि हम लोग आगे भी जो है काफी इंटरव्यू में दे चुके हैं कि हम लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को। अच्छा एक और बात कही जाती है कि जो है कि बीजेपी सरकार में, भाजपा सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, मोदी जी ये सब करवाते हैं, सच्चाई है इस बात में? आप लोग भी रहते हैं यहाँ से, मौजूदा सांसद मोदी जी हैं। देखिए हमारे देखने में तो अभी तक नहीं आया और मीडिया के थ्रू जो भी देखा गया तो मीडिया के थ्रू देखा गया, ऐसा तो नहीं कि सामने सामना। अब मीडिया क्या दिखाती है, सोशल मीडिया पे क्या आता है, उसको सब बातें हकीकत नहीं मानी जा सकती। आप लोगों का क्या मूड है इस बार, क्या कुछ सोच के आप लोग क्या मुद्दा ले रहे हैं इस बार वोट डालने का? भी तो देखा जाएगा, अभी जैसे जैसे टाइम करीब आएगा तब मालूम हुआ है। तो महज कुछ ही दिन रह गए हैं तो मूड तो बन गया। नहीं नहीं अभी मूड नहीं बना हुआ है। हाँ। अभी मूड नहीं बना हुआ है। अभी जब एकदम करीब आ जाएंगे तब समझ में आएगा किसको क्या करना है। अच्छा, उसके हिसाब से होगा। और मोदी जी के लिए क्या कुछ है इस बार, मूड में क्या चल रहा है कि इस बार वही बनेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार, आप लोग क्या? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। क्यों कुछ नहीं कहा जा सकता है? देखिए अभी बनारस के हिसाब से तो मोदी जी आ गए हैं। हाँ। और बनारस के लिए हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बनारस से ही तो आप लोग का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बनारस में चाहे वो कोई भी समाज से लोग, वो लगातार मोदी जी के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं। बनारस में मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता। अच्छा, इस बात की तो गारंटी है, बनारस से कोई हिला नहीं सकता। कोई नहीं हिला सकता। अच्छा इतना पावर कहाँ से आ रहा है मोदी जी के पास कि कोई हिला नहीं सकता? ये हकीकत है कि कोई नहीं हिला सकता। और देख लीजिएगा, आप लोग को मोदी जी से डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने डर क्यों लगेगा? क्यों विपक्ष लोग तो बहुत आरोप प्रत्यारोप मोदी जी पर लगाते हैं कि वो मुस्लिमों के साथ ये करते हैं वो राजनीति की बातें अलग अलग होती है, हर कोई अपनी अपनी बातें अलग अलग तौर पर रखता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ और है। तो मोदी जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो है नहीं कि मोदी जी ने अनाज दिया तो सिर्फ हिंदुओं को दिया, मुसलमान को नहीं दिया, ऐसा है?
राशन बटता है तो केवल हिंदू को बटता है, मुसलमान को नहीं बटता है। गलियां बनी है तो केवल हिंदू चलते, मुसलमान नहीं चलते है कि नहीं है? ये का विकास हुआ है तो उसमें तो आप लोग का भी हिस्सा है ना, सभी लोग आते जाते चलते हैं भाई। ये रोड बनी है, गली बनी है तो उसमें हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं। ऐसा तो मोदी जी ने नहीं कहा कि गली में मत चलिएगा, ये गली हिंदुओं के लिए बनाई गई है या ये रोड मुसलमान के लिए नहीं बनाई गई, इस पे मत चलो, ऐसा कहा मोदी जी ने किसी से? नहीं, आप लोग बताइए। नहीं, हम तो बता रहे हैं नहीं हुआ ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो आरोप प्रत्यारोप है वो गलत होता है? बिल्कुल गलत है। यानी कि मोदी जी आप लोगों के बारे में भी सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं। अच्छा, इन भाई साहब से भी बात करेंगे, आपका क्या ख्याल है? बड़ा गुस्सा में तमतमा रहे हैं। तमतमा तो रहे इसलिए कि तो ये आरोप है ना, मोदी जी को जो आरोप ही बनाया जा रहा है कि मुस्लिम उनके बारे में गलत ये सोचता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी को या योगी को हमेशा अच्छा रोल दिया गया है, हमारे भारत में आते हैं, इनको मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और ऐसा कोई तरह की मामला नहीं है। नहीं, लगातार अगर बोला जाता है मुस्लिम पे बात आती है तो लगातार आप लोगों के ऊपर ब्लेम आता है कि आप लोग जो है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों की बात सुन के आप लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते, आप लोग विपक्षियों के साथ है, इसमें कितनी सच्चाई? इसमें सच्चाई ये है, क्या फील्ड में तमाम लोग खड़े रहते हैं और उनको कुछ ऐसा बना दिया जाता है कि इसके बारे में विरोधी बनो ताकि ये दिखाएं हम कि देखिए सलमान के लिए ये कर रहे हैं मोदी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है आप चैनल वाले हैं? चैनले वाले तो बोलते हैं, चैनल वाले तभी बोलते हैं ना जब नेता लोग बोलेगा। नहीं, नेता के पीछे भी नेता खड़े रहते हैं। आप लोग तो नहीं बोलते? अरे आप नहीं बोलती है ना, सभी नेता सुनिए, आइए देखिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों को टारगेट किया जाता है, आप लोग पर जबरदस्ती जी? तो 2024 चुनाव हो रहा है, इस बार क्या लग रहा है, जो टारगेट किया गया वो सब गलत साबित होगा? पूरा निजाम उनके साथ दिया जाएगा। किनके साथ? मोदी के साथ। अच्छा। और जो है निजाम वो सामने है और आने दीजिए, अभी तो समय बहुत बाकी है, समय बहुत बाकी है। बहुत बाकी है। अच्छा, जो कैमरे पे बोल रहे वही दिल में है ना? अरे दिल का दिल जो रहता है वही जबान पर रहता है। ये नहीं कि पीठे कुछ है आगे कुछ है, जो हम लोग के पास आगे रहता है वही जबान पर रहता है। के साथ साथ चेहरा भी पढ़ने वाली है ना मीडिया, वो बन लिफाफे में भी मजमून पढ़ लेती है। सर, किसी के दिल में क्या चल रहा है वो कैसे बताएं? वो तो लिफाफे से मजमून का पता चल जाता है आप लोगों को। तो क्या लग रहा है पूरा इस बार, क्या 400 पार होगा? 400 पार? अब देखिए, ये 400 पार होगा ये तो टाइम बताएगा, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, बनारस की गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल, बनारस की तो गारंटी 101%। अच्छा, अजय राय कह रहे हैं जो यहाँ पे हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी सिमट जाएंगे, 150 में मोदी जी को आने नहीं देंगे, जो है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं और भी समाज के लोग वो सच्चाई जान गए, वो हमारे साथ हैं, वो मोदी जी के साथ नहीं है। अजय राय कह रहे हैं? अजय राय, ऐसा तो हम लोगों को देखने में नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई? कोई सच्चाई नहीं। वो ऐसे ही बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। लेकिन विपक्ष तो तभी बोलती है ना जब वो कुछ ऐसा देखती है करती होगी, या फिर क्या कारण रहता है कि वो लगातार ऐसे आप लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं? अगर कुछ नहीं मिला तो मुस्लिम ये कर रहे हैं, मुस्लिम वो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इसी से लगता है, अच्छा इलेक्शन इसी चटकारे से लुक पकड़ता है और अच्छाई इसी में दिखाती है, और जब तक ये नहीं होता है तो इलेक्शन का मजा नहीं आता। बस सीधी बात, इलेक्शन का मजा तो सब लोग लेते ही रहते हैं, पूरा माहौल दिखता रहता है, लेकिन असलियत में क्या है वो हम जानने की कोशिश। असलियत तो क्या, देखे कई घंटे से आप रही हैं तो देखिए, तो जो था आपके सामने जो है अभी वो भी देख रही हैं आप। अच्छा, बनारस का विकास हुआ है, जरा विकास के नाम पर जो चीजें आप लोग को अच्छी लगी है वो गिनवाइए। विकास तो ऐसा है कि कल के जमाने में कंधा लड़ जाता था। अच्छा। आज तो गाड़ियां भी ऐसे निकलती है, आदमी आराम से चलता है, इतना विकास हुआ है। एक रोड रहती है चार तरफ निकल जाती है, विकास कैसे नहीं किया मोदी जी ने? किया है मोदी जी ने, विकास बहुत अच्छा किया है। क्या क्या कह रहे हैं? बनारस को हाफ टोकियो बना दिया गया अभी। और अगर 2024 में आएंगे तो फुल टोकियो हो जाएगा। अच्छा। अगर यकीन ना हो तो गुदौलिया पर आप जाके देख लीजिए, पूरा चौक देख लीजिए, चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। बिना चेंजेस के ऐसा तो है नहीं कि हम जबान से कह रहे हैं वहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। 2014 के पहले का बनारस भी देख लीजिए और 2024 का 23 का अभी देखिए, ये 19 का देखिए, अभी तो 24 आने वाला है। 24 तो बाकी है। अभी इधर लतारा पर गए थे तो हमको लग नहीं रहा था कि बनारस में। अच्छा, कहाँ पे लग रहा था? कहाँ आपको लग रहा था? विदेश में। तो ये सब किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है।
अच्छा, कहते हैं लोग कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस जो है कि धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग भी सोचते हैं? वो राजनीति से हम लोग अलग हैं, राजनीति दूसरी चीज है, जो जो दिखाई दे रहा है वो दूसरी चीज है। कि जाने के बाद उस जगह पर लोग रास्ता भूल जाते, ये कौन जगह हम आ गए, बनारस में है या विदेश में है। एक चौराहा से चार चौराहा निकलता है, इतना उमदा हो गया बनारस। अच्छा, मुस्लिम भाइयों का क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार, क्या दिमाग में चलेगा वोट डालते टाइम? अब ये थोड़ा सा समय और बीतने दीजिए, हाँ। फिर आ जाइए एक बार। हाँ। आएंगे बिल्कुल, आप लोग मौका दीजिएगा तो जरूर। नहीं, नहीं बिल्कुल आइए। हाँ। आइए, तो इस बार मूड पूरा है मोदी जी के? मूड तो है ही है, पास में रहता है मूड। हाँ। अच्छा, क्या बोलिएगा, आप लोग भी युवा है, युवाओं का क्या कुछ मूड है इस बार, क्या कुछ सोच रहे हैं? इस बार तो मोदी बनारस से जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? अच्छा, बनारस से मोदी जी ही क्यों जीतेंगे, और भी तो पार्टियां हैं, वो भी तो मेहनत करती हैं। इनका काम बहुत अच्छा हुआ है बनारस में। हाँ। और बनारस में इनका काम की वजह से इनके बहुत से सपोर्ट इनके यहाँ पर है, इसलिए यहाँ युवा पूरे इनके सपोर्ट में है जी। अच्छा, युवा सपोर्ट में है मोदी जी के? जी बिल्कुल है। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कारण क्या? तो भैया जिसका जो समझ में आ रहा उसको वो अपना कर हिसाब से अपने जी। अच्छा, मुस्लिम भाइयों का भी साथ है लगातार? बिल्कुल, मोदी साथ से सपोर्ट है। मोदी के साथ रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है बनारस में? हाँ, एक और कारण है कि बनारस में आप लोग कह रहे हैं कि कोई उनको हिला नहीं पाएगा, क्या कारण? उनका कारण ये है कि यहाँ पर विस्तार बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ। बनारस में हर क्षेत्र में जाए देख लीजिए, इनका कार्य बहुत बढ़िया हुआ है इसके बारे में। और इनका जो भी काम है आप देखते हुए, यहाँ पर चौराहा वगैरह रोड वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ है, ये सबसे यहाँ पर अच्छा हुआ काम हुआ है ये सब। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग भी मोदी जी के लिए अपना समर्थन बता रहे हैं। तो ये हम आपको बजरडीहा के पास जो इलाका है वहाँ से दिखाने की कोशिश करें हैं कि मुस्लिम भाइयों का कितना समर्थन है मोदी जी के लिए। हालांकि आप क्या कुछ बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।